अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडिंग वाइब्स। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सो बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट चिप्स। 25 रुपए के कैंडी बिस्किट से आज हम घर पर बनाएंगे चॉको चिप्स, वो भी बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट के साथ। तो बिस्किट को मैंने ओपन कर लिया है और हम अब लेंगे ब्लेंडर, और ब्लेंडर में हम छोटे छोटे से बिस्किट के पीस करके डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। आप चाहें तो यहाँ पर एक चम्मच शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिस्किट खुद ही ये इतने मीठे हैं इसलिए इसमें शुगर मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लिया है, और बिल्कुल आपने इसका पाउडर बना लेना है ताकि इसमें छोटे छोटे से ज़र्रात हैं वो बिल्कुल भी ना हों बिस्किट के। अब मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और बॉल भी जो होगा हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब ये है कि हम इसमें ना पानी ऐड करेंगे जो रूम टेम्परेचर का होगा, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना हो। हम एक एक चम्मच करके पानी डालते रहेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना, इससे ये बहुत पतला हो जाएगा, हमें पतला बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम इसे साथ साथ अच्छी तरह से ना मिक्स कर देंगे ताकि बिस्किट के जो ज़रात अगर रह भी गए हैं तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल चॉकलेटी फॉर्म में आ जाए। मैंने यहाँ पर कैंडी बिस्किट का इस्तेमाल किया है, आपको कोई और भी फ्लेवर अगर पसंद है तो आप चॉकलेट बिस्किट कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रीम अगर क्रीम वाला है तो आपने उसकी क्रीम रिमूव कर देनी है, सिर्फ हमें बिस्किट ही चाहिए होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग आना स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो चुका है। बिल्कुल रिबन की फॉर्म का होना चाहिए ताकि बनाने में इसे बहुत ही आसानी हो। और अगर मेरी वीडियो को आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आपको वेलकम कहना चाहूँगी अपने चैनल पर। बिस्किट को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब मैं ले रही हूँ एक प्लास्टिक बैग, और इसे मैंने ग्लास में, इसकी जो एक साइड होगी ना कोना, उसे हमने अच्छी तरह से ग्लास में सेट कर लेना है। अब इसमें बिस्किट का जो मिक्सचर बना लिया था अब वो इसमें ऐड कर देंगे सारा का सारा, और फिर इसे अच्छी तरह से एक बार टैप कर देंगे, और फिर मैं इसे रबर बैंड की मदद से इसे बैक साइड से थोड़ा सा जो है वो कवर कर दूंगी ताकि पकड़ने में इसे आसानी हो। अब मैंने डिश के ऊपर प्लास्टिक शीट रख दी, अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप इसकी जगह पर बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर, अब इसे हम चॉकलेट चिप्स के डिज़ाइन दे देंगे, तो अगर आप चाहें तो कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसे हम एक दिन के लिए धूप में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए, हमने इसे धूप में लाजमी रखना है। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप इसे फ़ैन के नीचे भी ड्राई कर सकते हैं और ब्लो ड्रायर से भी कर सकते हैं। और बच्चों को तो ये रेसिपी मेरी बहुत ही पसंद आने वाली है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसे दूसरी डिश में इसको ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि वो थोड़ी सी छोटी डिश हो रही थी, और मैंने बिल्कुल कम्प्लीट कर लिया है इसे, और एक पैकेट के साथ काफ़ी सारे ये बनकर तैयार हो गए हैं चॉकलेट चिप्स। अब मैंने एक दिन के लिए इन्हें ड्राई करने के लिए रखा था, और ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं धूप में, कि इन्हें हटाते हुए कोई मसला नहीं हो रहा, ये बिल्कुल खुद ही से ही अलग हो गए हैं ड्राई होने के बाद। तो हमारे चॉकलेट चिप्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मुझे ये चाहिए थे, मैंने केक को बेक करना था इसलिए मैं ये बनाने लगी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए, और बच्चों के तो ये वैसे भी फेवरेट होते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भी इसे केक में, बिस्किट में और आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स बहुत ही मज़े के बने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।